लीव इन के दौरान मैडम, अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या लड़के को शादी करना ज़रूरी होता है? नहीं, कोई शादी करना जरूरी नहीं होता। तो क्या लड़के को मुआवजा देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। इसमें जो लड़की लिविंग रिलेशनशिप से जो भी बच्चे बॉर्न होते हैं, जो भी बच्चे पैदा होते हैं, तो जो फादर होता है उसको मुआवजा देना पड़ता है, मेंटेनेंस देना पड़ता है अपने बच्चे को। और जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 16 है, उसमें जो मदर होती है वो पिटीशन फाइल कर सकती है अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए। और पिता अपनी प्रॉपर्टी में से, जो वो प्रॉपर्टी या वो पैसा जो कि पिता ने अपने से कमाया है, उसमें से वो अपने बच्चे को भरण पोषण देगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी लिविंग रिलेशनशिप में जो लड़का रह रहा है उसके फादर या मदर, मतलब जो उसकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, उस पुश्तैनी प्रॉपर्टी में से लिविंग रिलेशनशिप का बच्चा पुश्तैनी प्रॉपर्टी में से प्रॉपर्टी नहीं क्लेम कर सकता। सिर्फ जो फादर की प्रॉपर्टी बनाई हुई अपने पैसों से कमाई हुई प्रॉपर्टी है, वो सिर्फ उसमें से पैसा क्लेम कर सकता है। अगर लिविंग रिलेशनशिप में बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का क्या राइट होता है मैडम? सेम राइट्स होते हैं जो कि एक लीगली वेडेड वाइफ से अगर बच्चा बॉर्न होता है, तो वो राइट जो लिविंग किससे बच्चे होते हैं उनको भी सेम राइट मिलता है। बस यहाँ पे भी फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चे को पुश्तैनी प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं मिलता, बट अपने फादर की जो भी प्रॉपर्टी होती है या फादर के जो पैसे होते हैं उसके सारे अधिकार मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, जो लीगल शादियाँ होती हैं उसमें बच्चों को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, बच्चों को अडॉप्ट करने का प्रोविज़न होता है, लेकिन लिव इन में आप बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अडॉप्शन एक्ट के तहत आपको बच्चा अडॉप्ट करने का राइट लिव इन में कानून नहीं देता है। जैसे मैडम, होता है कि अगर बच्चा पैदा हुआ वो पिता के साथ रहेगा, मम्मी के साथ रहेगा, अगर लिव इन में है और बच्चा पैदा होता है फिर अलगाव भी होता है, तो फिर बच्चा किसके पास रहेगा? उसके लिए पिटीशन फाइल करेंगे। अगर म्यूचुअल कंसेंट से बच्चा चाहे तो माँ के पास रह सकता है, म्यूचुअल कंसेंट से चाहे तो फादर के पास रह सकता है, बट अगर उनका डिस्प्यूट है तो उसके लिए वो फिर गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट में फिर वो मुकदमा फाइल करेंगे और फिर कोर्ट के डिसीजन पर ही होगा कि माँ के पास जाएगा या फादर के पास जाएगा। लेकिन मैडम, उस समय वो तो बच्चा रहेगा ना, वो कैसे चुन पाएगा माँ बच्चा या नहीं पिता को? चुनेगा, कोर्ट चुनती है कि बच्चा किसके पास अच्छे से पल सकता है, उसकी अपब्रिंगिंग कहाँ पर फादर के पास ज़्यादा अच्छी हो सकती है या मदर के पास ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो ये टोटल कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है और फिर कोर्ट डिसाइड करके बच्चे की कस्टडी माँ को या फादर को वो देती है, बच्चा डिसाइड नहीं करता।